Hello guys, this is NRD and welcome back with another video of GK 24x7. So guys, Assam Transport Recruitment को लेकर हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, आज उसके तहत मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ और वो टॉपिक है आसाम ज्योग्राफी। तो आसाम ज्योग्राफी से सेट नंबर वन आज मैं आपके लिए लाया हूँ और इस सेट में मैंने बहुत ही कुछ सिलेक्टिव सवाल लिए है जो आज तक हुए बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये सिर्फ आसाम ट्रांसपोर्ट एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि आसाम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है वगैरह जो भी है उन सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टू गेट फ्री स्टडी एंड जॉब रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट इन फ्यूचर। तो गाइज, आज का जो पहला सवाल है वो है व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ आसाम हिमालय रेंज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आसाम हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है गुरु पीक, उसके बाद है डोडा बेटा, उसके बाद है हिमगिरी, उसके बाद है नामचा बारुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा नामचा बारुआ। ठीक है, तो दूसरा जो सवाल है वो है व्हिच The protective sites of Assam are recognized as UNESCO World Heritage Site। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि UNESCO के World Heritage Sites के द्वारा असम के वो क्षेत्र या नेशनल पार्क कौन सा है जिसको प्रोटेक्टिव साइट्स में रखा गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ओरांग नेशनल पार्क, तो तीसरा है बोराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नॉकरेक नेशनल पार्क, और चौथा है आपका नान ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो तीसरा सवाल है आसाम हैज कॉमन बाउंड्री विथ हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आसाम का जो बाउंड्री है वो इंडिया के और कितने राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन से 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 6। तो यहाँ जो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 7। तो मैं बता दूँ वो 7 राज्य कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। तो आज का जो चौथा सवाल है वो है आसाम शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आसाम का जो क्षेत्र है वो इंटरनेशनल बॉर्डर में किस देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश, तीसरा है भूटान एंड बांग्लादेश, उसके बाद आपका चौथा ऑप्शन है नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल है व्हिच ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन आसाम। तो आसाम में जो लार्जेस्ट वेटलैंड है वो कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है दीपोर व्हील, उसके बाद है सोनबिल लेक, उसके बाद है कुमरी बिल लेक, उसके बाद है डोलू लेक। तो यहाँ पे आपको बता दू जो सही जवाब है वो है सोनबिल लेक और ये आसाम के बराक वैली के करीमगंज जिले में पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो सवाल है दी अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ आसाम इन इंडिया एनुअली प्रोडक्शन ऑफ टी इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आसाम में जो टी का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 51%, 55%, 50% और 75%। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 51%। और मैं आपको बता दूं कि असम के बाद सबसे ज्यादा टी का जो प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में होता है, और वर्ल्ड के टी प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड के टोटल जो भी टी प्रोडक्शन होता है उसमें 11% यानी 11% असम का हिस्सा रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असम इज सिचुएटेड इन। तो असम कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है आसाम कवर्स एन एरिया ऑफ, जो आसाम का जो टोटल एरिया है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 76,000 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद 75,000 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद है 78,000 किलोमीटर स्क्वायर और 80,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस आठवें सवाल का जो सही जवाब है वो है 78,000 किलोमीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर
बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस के तौर पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 78,438 किलोमीटर स्क्वायर ये एग्जैक्ट एरिया है। उसके बाद 9वें सवाल की बात करें तो हाउ मेनी गांव पंचायत आर देयर इन असम, तो असम में गांव पंचायत की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से 2456, उसके बाद 2482, उसके बाद 2574, उसके बाद 2612। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 2574, जो गांव पंचायत है वो असम में अवेलेबल है। उसके बाद 121 एडिशनल में बता रहा हूँ, 121 आंचलिक पंचायत और 20 महकमा परिषद भी अवेलेबल है। तो गाइस 10वां जो सवाल है वो है, एस पर 2011 सेंसस यानी कि 2011 के सेंसस के हिसाब से द लिटरेसी रेट ऑफ आसाम इज, आसाम का साक्षरता का हार कितना है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 70%, 68%, 72% एंड 75%। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 72%। बात करूँ फिगर की बात करूँ तो एग्जैक्ट फिगर है 72.19%। और पूरे भारतवर्ष का अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.4% है, ठीक है। और हाईएस्ट केरल में है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट 93.91%। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो 11वां सवाल है आज का, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ आसाम अंडर फॉरेस्ट यानी कि आसाम के एरिया का जो कितना प्रतिशत फॉरेस्ट यानी जंगल जंगली एरिया है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 30%, 34%, 40% और 45%। तो इस 11वें सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, 34%। और एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो एग्जैक्ट फिगर है 34.21%। और आपको बता दूं कि भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो आज का जो 12वां सवाल है वो है, दी भूपेन हजारिका सेतु इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि भूपेन हजारिका सेतु का और क्या नाम है या और कौन से नाम से हम जानते हैं? आपके पास ऑप्शन है धौला सादिया ब्रिज, उसके बाद है बोगीबिल ब्रिज, उसके बाद है सरायगढ़ नर नारायण सेतु। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा धौला सादिया ब्रिज। तो ये जो धौला सादिया ब्रिज है इसका और एक नाम है भूपेन हजारिका सेतु। इसका नाम हमने बीते कुछ सालों में काफी बार सुना होगा क्योंकि इसका इनोग्रेशन पीएम मोदी ने, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया इज, यानी कि आपको बताना है कि सबसे लंबा ब्रिज भारतवर्ष का कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है भूपेन हजारिका सेतु, दिबांग रिवर ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु या बांद्रा वर्ल्ड। यहाँ पे तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, भूपेन हजारिका सेतु। जो हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि भूपेन हजारिका सेतु का नाम और क्या है, और वो है सादिया धौला सादिया ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौला सादिया ब्रिज डिस्टेंसेस, यानी आपको बताना है कि धौला सादिया जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसका डिस्टेंस कितना है। आपके पास ऑप्शन है 9.10 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर, 9.20 किलोमीटर या 9.30 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है 9.15 किलोमीटर। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, धौला सादिया ब्रिज कनेक्ट असम विथ, यानी कि धौला सादिया ब्रिज जो है वो असम को किस राज्य से कनेक्ट करता है। आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। आज का जो 16वां क्वेश्चन है वो है, द लार्जेस्ट रोड एंड रेल ब्रिज ऑफ इंडिया इज, यानी आपको बताना है कि सबसे लंबा जो रोड प्लस रेल ब्रिज है यानी कि रोड के साथ साथ रेल भी इस पे आवाजाही कर सकते हैं, वो ब्रिज कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बोगीबिल ब्रिज, दीघा सोनपुर ब्रिज, उसके बाद गोदावरी ब्रिज, उसके बाद है नर नारायण ब्रिज। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा बोगीबिल ब्रिज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज फेमस नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वो कौन सा व्यक्ति है जिसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जंगली मानव कहा जाता था, यानी कि जंगल जैसे कि होता था ना जंगल में शेर, वैसे ही जंगल का जंगल मैन इनको कहते थे। तो इसका आपके पास ऑप्शन दिया गया है, सुंदरलाल बहुगुणे, उसके बाद जादव पायंग, उसके बाद माइक पांडे, उसके बाद भूपेन हजारिका। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा जादव पायंग। और आपको बता दूं कि जादव पायंग जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो माजुली से बिलोंग करते थे और वो एक फॉरेस्ट वर्कर थे। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, एज पर सेंसस 2011 ग्रोथ रेट ऑफ आसाम बिटवीन 2001 टू 2000
11 वाज, यानी आपको बताना है कि 2011 के लोकगणना के हिसाब से ग्रोथ रेट, आसाम का ग्रोथ रेट कितना था? आपके पास ऑप्शन है 17%, 17.5%, 17.7% और 18.2%। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 17.7%। और एक बात बता दूँ, ये जो 17% है ये ओवरऑल इंडिया के भी ग्रोथ रेट था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, आसाम्स न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट माजुली इज कार्व्ड आउट फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट। आसाम का जो नया एक जिला बना है माजुली, वो किस डिस्ट्रिक्ट यानी कि किस जिले से कट किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जोरहाट, डिब्रूगढ़, कामरूप और तेजपुर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा जोरहाट। जी हाँ, माजुली पहले जोरहाट का हिस्सा था, उसके बाद ये जोरहाट से अलग कर दिया गया। तो आज का जो 20वां सवाल है गाइज, वो है व्हाट इज आसाम्स पोजिशन अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन, यानी कि एलिफेंट के पॉपुलेशन, हाथियों के पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पे आसाम का स्थान कितना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड, वो आपका सही है, क्योंकि आसाम हाथियों के जो पॉपुलेशन के हिसाब की बात करें तो वो इंडिया में दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर है कर्नाटका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है इंडियन राइनो विजन 2020 एम्स टू इंक्रीज द राइनो पॉपुलेशन इन आसाम टू बाय द ईयर 2020। तो पहले आपको बता दूं कि इंडियन राइनो विजन जो कंडक्ट हुआ था, उसका विजन 2020 के अंदर कंप्लीट होना था, और वो उसका स्टार्टिंग हुआ था 2005 से। और आपको बताना है कि 2020 तक आसाम में राइनोस पॉपुलेशन कितने तक जो इंक्रीज होने का जो अनुमान या उसका जो विजन लगाया गया था। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है 2000, 3000, 4000 या 5000। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 3000, सॉरी 3000। सो नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन आसाम। तो आपको बताना है कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है वो आसाम में कितने है, ठीक है, साइट है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1, उसके बाद है 2, 3 और 4। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2। और मैं आपको बता दूं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। और काजीरंगा और मानस जो नेशनल पार्क है वो दोनों ही 1985 में इसको मान्यता मिली थी यूनेस्को से, ठीक है। तो 23वां जो सवाल है वो है आपका व्हिच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन आसाम, यानी आपको बताना है कि आसाम में सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, और चौथा ऑप्शन है नामेरी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये गोलाघाट जिले में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका 24वां सवाल है वो है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन आसाम, यानी आसाम में सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क ये सोनितपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो हमारा जो आज का आखिरी सवाल है वो है हाउ मेनी ब्रिजेस आर देयर ओवर ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कितने ब्रिजेस बने हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है 4 वो सही है। और मैं आपको बता दूं ये जो चार ब्रिजेस है वो कौन कौन से है, बोगीबिल ब्रिज है आपका, दोला सादिया ब्रिज है और नर नारायण सेतु है और कोलिया भूमौरा सेतु है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे कीजिए, ये शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलरली जीके रिलेटेड या आसाम ट्रांसपोर्ट का जो रिक्रूटमेंट 2020 का होने वाला, उससे रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद घंटी को भी दबा दे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।